अदर सिस्टम कोई रिक्वायर करे टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलते हैं। अगर टू से ज़्यादा चाहिए हो, थ्री फोर फाइव सिक्स जितने भी चाहिए हो, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, तो हम इनके टू कोऑर्डिनेट जा रहे होंगे किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सपोज करें हमारे पास इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे, इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन के विंग्स हैं, उसमें क्या लगे होते हैं, दो टर्बोजेट इंजन लगे होते हैं, तो उसको भी हम टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ले सकते हैं। मोटर पंप सिस्टम, इसको भी ले सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लेते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में दो तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास यूज हो रही होती हैं, दो इक्वेशन होंगी हर ईच मासेस के लिए। सपोज के हमारे पास टू मासेस हैं, तो हमारे पास टू इक्वेशन यूज हो रहेगी m1 और m2 के लिए है, जिसको हम मोर प्रोसेसली देख लेंगे ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, तो देर आर जनरली इन फॉर्म ऑफ कपल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ कपल डिफरेंशियल इक्वेशन में होती हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व किया जाता है। अब सपोज करें एक केस है, यहाँ पर कंसीडर अ विस्कसली डैम्प टू डिग्री ऑफ फ्रीडम स्प्रिंग मास सिस्टम। अब यहाँ पर होता है टू विस्कस डैम्प टू डिग्री ऑफ फ्रीडम मास स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या है, एक मास m1 है, यहाँ पर मास m2 है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास तीन स्प्रिंग लगे हुए हैं और तीन डैम्पर लगे हुए हैं। तो क्या है इसमें, तीन स्प्रिंग, ये देखिए तीन स्प्रिंग लगे हुए हैं एंड तीन डैम्पर्स, ये एक C1, C2 और C3 डैम्पर्स लगे हुए हैं। तो हमारे पास टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में इसको रिजोल्व कर रहे हैं, तो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहे होंगे। सपोज करें हमारे पास M1 है, यहाँ पर तो M1 मास है, तो इस पे क्या होगा, टू दो तरह की फोर्स लगेंगी, एक इस तरफ से लगेंगी, दूसरी इस तरफ से। तो हमारे पास एक फोर्सेस इस तरफ से हैं, दूसरी फोर्सेस इस तरफ से। इस तरफ जो फोर्सेस होंगी, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड लेते हैं, वही होंगी। ये क्या होगा, K1 X1, और ये क्या होगा, अब स्प्रिंग कांस्टेंट का डैम्पर का लेते हैं CV। ठीक है, तो C1 X1 डैश। ठीक है, तो आप इस तरह लेंगे C1 X1 डैश। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसमें हमने क्या किया है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है इसकी, जिसमें हमने मास शो किया है। तो हमने हमारे पास इस तरफ फोर्सेस कौन से, C1 X1 डैश, यहाँ पर K1 X1 डैश। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाई है F1, तो ये क्या है, F1 फोर्स लगाई, जिसके वजह से ये आगे ट्रेवल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम कैपिटल X1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पास ये इस तरह से रहने देते हैं, तो यहाँ पास क्या है, जैसे ये मूव करेगा, तो यहाँ पर लाजमी बात है स्प्रिंग टू में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। जो चेंजिंग आएगी यहाँ पास क्या होगा, ये मास जो मूव किया है यहाँ पर, कितना मूव किया है, X2 डिस्टेंस मूव किया है, तो यहाँ पास ओरिजिन से आगे कितना गया है, X2, तो टोटल इतना गया है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है X2 सपोज करें, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, X2 माइनस ये क्या हो जाएगा, X1, तो ये डिस्टेंस X1 था, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इतनी फोर्स जो है हमारे पास स्प्रिंग 2 पे पड़ेगी, तो हमारे पास क्या है, K X2 माइनस X1। ठीक है, अब सिमिलरली डैम्पर के लिए भी इस तरह लिखा गया है, तो जैसे ये मूव करेगा तो डैम्पर पे भी कुछ फोर्स आएगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C X2 डैश माइनस X1 डैश। ओके, तो ये वाला हो गया इस तरफ के मास का। अब हम देख रहे हैं इस मास को, किसको, इसको, तो यहाँ पर क्या है, M2 मास है, तो इसमें भी क्या है, फोर्स एक ही डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, F2 और X2 और X कैपिटल 2 दे दिया है, तो हम इस तरफ तो मास सेम रहेंगे, और स्प्रिंग की फोर्स और डैम्पर की फोर्स सेम रहेगी, कौन सी, K2 X2 माइनस X1 और C2 X2 माइनस X1, जबकि इस तरफ क्या हो जाएगा, K3 X2, क्योंकि ये स्प्रिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, C3 X2 डैश। यहाँ पर स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, टेंशन क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग K1 अंडर टेंशन होगा, ये स्प्रिंग किस में होगा, कंप्रेशन में होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेशन में होगा, और ये वाला किस में होगा, ये वाला भी टेंशन में हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है, तो K2 क्या है, अंडर टेंशन है। ठीक है, तो इसलिए
हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। अब इस तरह कैस को इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली लिखी गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आई है। यहाँ पर देखा जाए, अब जो मास एक कर रहा है, फोर्स इसमें जो डेवलप होगी वो क्या होगी, m1 x1 डबल डैश, क्या होगी m1 x1 डबल डैश, और उसके अलावा क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स होगी k1 x1 c1 x1। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, सबको मर्ज करके फिर बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा c1 x1 और k1 x1। अब सेकंड पे क्या होगी k2 x2 माइनस x1। ठीक है, k2 x2 माइनस x1, तो हमने इसने क्या किया हुआ है यहाँ पर, हमने इसने जो शो किया हुआ है k2 को मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास शो किया k2 x1 होना चाहिए, तो हमारे पास k2 x1 है और k1 x1 है, तो इन्होंने बाद में सम करके इक्वल के फिर इन्होंने लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है m1 x1 डबल डैश। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इनको इक्वल करके फिर बाद में लिखा, पहले हमने इक्वल टू जीरो किया फिर हमारे पास बाद में लिखा गया है, तो हमारे पास क्या है k1 x1 ये माइनस में हो जाएगा उस तरफ है, तो k2 x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरह c1 x1 माइनस c2 x2 माइनस x1। तो हम क्या कर रहे हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा m1 a डबल डैश या x डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू f1 फोर्स है। अगर हम होमोजीनियस लेंगे या अनडैम्प्ड लेंगे तब f1 जीरो लेंगे, वरना f1 की कोई ना कोई वैल्यू ले रहे होते हैं। तो आप पास क्या है, आप पास इनको हमने रिजोल्व किया फोर्सेस को रिजोल्व करने के बाद हमने क्या किया k1 और ये क्या हो जाएगा अब k1 x1 है, यहाँ पर k2 x1 हो जाएगा उस तरफ आएगा, बाद में इक्वल टू उस तरफ लेके जाएंगे तो k2 x1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो k1 प्लस k2 इसमें क्या होगा, x1 कॉमन होगा, देखें k1 प्लस k2 x1 कॉमन है और ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -k2 x2, तो ये -k2 x2 हो गया। सिमिलरली फॉर c1 प्लस c2 x1 डैश, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा c1 प्लस c2 x1 डैश माइनस c2 x2 डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या f1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरी इक्वेशन हो गई एक केस के लिए। सिमिलरली फॉर सेकंड मास के लिए हमने इसी तरह सेम मेथड से इक्वेशन अप्लाई की है। कैसे अप्लाई की है देखें, तो आप पास क्या है, यहाँ पर दो मासेस हैं, ठीक है, तो आप पास k3 आप पास क्या m2 x2 डबल डैश हो गया, इसमें m2 x2 डबल डैश मास ये मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन होगी जो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक m2 x2 डबल डैश। ठीक है, आप पास इज इक्वल टू f, तो उस तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम f2 हम ले रहे आते हैं, आप पास क्या होगा c2, ठीक है, x2 डैश c2 x1 डैश c3 x2 डैश। ठीक है, अब x2 में कौन से है c3 और c2 है, x2 में कौन से है c3 और c2 है, तो यहाँ पास ये क्या होगा c2 प्लस c3 x2 डैश। सिमिलरली x1 में कौन सा है, x1 में c2 x1 डैश, तो माइनस में c2 x1 डैश। ठीक है, अब आप पास k के लिए, यहाँ पास k2 x2 डैश, k2 माइनस k2 x1 डैश, k3 x2 डैश। ठीक है, तो k2 x2 डैश, k2 x1 डैश, और ये क्या हो गया k3 x2 डैश। तो x2 में कौन सा है, k2 प्लस k3। ठीक है, x2 डैश आ गया ये। सिमिलरली माइनस में क्या हो जाएगा, -k2 x1 डैश, तो -k2 x1 डैश। ये इक्वेशन यहां से आ गई पूरी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जैसा हम पहले करते आ रहे हैं सिमिलरली उसी मेथड से, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिया है, इसलिए दूसरे मासेस को हमने कंसीडर किया गया है। तो इसी क्वेश्चन को नॉर्मली हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं बाद में सॉल्यूशन के लिए। तो हम पर मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ पर देखा जो मास कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर x डबल डैश t करके लिखते हैं। तो x डबल डैश t में क्या होगा, मैट्रिक्स में x1 एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, तो वेक्टर मैट्रिक्स x1 और x2 होगा। यहाँ पर सिमिलरली c का मैट्रिक्स आ जाएगा, c की मैट्रिक्स क्या होगा c1 c2 c2, जो आप पैरामीटर वो लिखेंगे जैसे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। उसके अलावा अगेन मैट्रिक्स आ जाएगी x की, ठीक है, तो यहाँ पर x1 x2 जिस तरह मैट्रिक्स होती है वो लिखते हैं x1 अब x डैश की। सिमिलरली अब इसको कॉन्स्टेंट वाले को हम सोल्व करेंगे, तो इज इक्वल टू
F1 और F2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर C, M, C और K क्या कहलाते हैं, मास डैम्पिंग एंड स्टिफनेस मैट्रिसेस रेस्पेक्टिवली। अब इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स, फोर्स वाइब्रेशन क्या होगी हमारे पास, तो हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फोर्स वाइब्रेशन के लिए हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर क्या है M1 है, यहाँ पर क्या है M1 है, M2 जीरो है, तो M1 हम सेम लिखेंगे, M2 क्या है जीरो है फर्स्ट इक्वेशन में, तो X1 डबल डैश के साथ हमारे पास क्या है M1, वन है X2 डबल डैश अपने तो जीरो लिखा है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है X1 डैश नहीं है, तो हमारे पास वो जीरो हो जाएगा, X2 डबल डैश है उसके साथ क्या है M2 है, तो हम इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे X2 के साथ M2, तो ये वाले रिप्रेजेंट कर रहे हो X1 डबल डैश को, ये रिप्रेजेंट कर कॉन्स्टेंट ऑफ दी जो मल्टीपल होगा ऑफ दी X2 डबल डैश, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ठीक है। तो हमने मास को इस तरह डिफाइन कर लिया, तो वहां पर M1 जीरो क्योंकि यहाँ पर X2 नहीं है, M2 और जीरो यहाँ पर क्या है बल्कि जीरो और M2 X1 नहीं है, तो इस तरह हमने डिफाइन कर लिया। सिमिलरली हम इसको डिफाइन करेंगे X1 और X2 डैश के लिए, तो आपस क्या होगा सी मैट्रिक्स क्या बनेगी C1 प्लस C2 और सेकंड में क्या आएगा माइनस C2, तो C1 प्लस C2 माइनस C2, और यहाँ पर क्या है माइनस C2, और इसमें क्या है C2 प्लस C3, ठीक है ये इस तरह आ गया। सिमिलरली हम K के लिए हम कर रहे हैं, K के लिए क्या होगा K1 प्लस K2 माइनस K2, सिमिलरली नीचे में क्या है माइनस K2 प्लस अपॉन में K2 प्लस K3, तो यहाँ पास डेरिवेशन हो गई इसकी, तो इसको हमने डायरेक्टली पुट कर देते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट फोर्स इक्वेशन में। तो यहाँ पर एक्स टी क्या होता है, यहाँ पर दो वेक्टर्स ले रहे हैं हम बता रहे हैं, यहाँ पर एक्स टी का ले रहे होते हैं X1T और X2T के मुताबिक, और फोर्स का ले रहे हैं F1T और F2T के मुताबिक। ये 2x2 मैट्रिक्स होती है, इसमें डैम्पिंग कोफिशिएंट और स्टिफनेस होती है, ठीक है। फर्दर दीज मैट्रिक्स कैन बी सीन इन द सेमेट्रिक, तो हम आपस सेमेट्रिक फॉर्म में देते हैं, तो उसमें MT इज इक्वल टू M लिखते हैं, इनके सेमेट्रिक है फॉर्म में, तो MT तो MR का ट्रांसपोज लेंगे तब भी M होगा, CT का लेंगे तो तब भी सेम होगा, तो ट्रांसपोज में 2x2 मैट्रिक्स का सेम R है। तो हमारे पास बाद में क्या करते हैं, हम एक इनिशियल कंडीशन ले रहे होते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, तो उसमें बताया है X1 कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो टाइम जीरो पे, कुछ ना कुछ X1 जीरो वेलोसिटी ली गई है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जीरो पे, फिर X1 डैश जो है टी जीरो पे क्या है X1 डैश जीरो है। सिमिलरली X2, अब यहाँ पर चार वेरिएबल्स होंगे, तो इसके लिए हमारे पास चार इनिशियल कंडीशन हमने बताई हैं। हमारे पास क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि हम ये दो इक्वेशन है हमने जो बनाई है, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए, किसके लिए अनडैम्प्ड सिस्टम में, अनडैम्प्ड सिस्टम में आपके पास एक्स्ट्रा फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जीरो जीरो कहलाया जाता है और डैम्पर हटाया जाता है, तो मीन C1 और C2 ये दोनों हट जाएंगे, C1 C2 C2 ये वाले सारे पैरामीटर्स हट जाएंगे, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन जो है इस तरह से बन जाएगी M1 X1 डबल डैश प्लस K1 प्लस K2, ठीक है, क्योंकि C1 वाले हट गए, तो K1 प्लस K2 X1 डैश माइनस K2 X2 डैश, ठीक है, K2 X2 T इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली नीचे वाले इक्वेशन के लिए भी इसी तरह से किया गया है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास हार्मोनिक मोशन है, तो हमारे पास क्या स्प्रिंग लगा हुआ है, तो हम बोलते हैं कि हार्मोनिक मोशन है और सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो एंगल हम लेते हैं उसमें फाई कंसिडर करते हैं, अब हार्मोनिक मोशन के लिए एंगल हम फाई कंसिडर करते हैं, फिर हमारे पास क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो लेते हैं X1T का जो हमने अज्यूम किया हुआ है X1T, तो हम उसका लेते हैं, यहाँ पर X1 और X2 हमने बताया, X1T का हमारे पास क्या है X1 cos ओमेगा टी प्लस फाई, और X2 के लिए हमारे पास हार्मोनिक के लिए हमने जैसे पढ़ा था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में X2 cos ओमेगा टी फाई सिमिलरली लिया गया है। अब इनको हमने क्या किया है इस इक्वेशन में पुट कर लिया है, X1 की जगह cos ओमेगा टी फाई और X2 की जगह cos ओमेगा टी X2 cos ओमेगा टी फाई, और हमारे पास क्या कर रहे हैं इस तरह से हमने पुट कर लिया, और हमने क्या किया यहाँ पर X1 डबल डैश में 2 टाइम डेरिवेटिव है इसका, इसका क्या है 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा बाहर आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पास ये बाद में पैरामीटर सेम हो जाएगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पास ये बताया गया है माइनस साइन होता है इसका, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन,
ओमेगा टी फाई और ओमेगा साथ में पैर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड टाइम लेंगे तो माइनस कोस ओमेगा टी फाई और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा एक टाइम इसमें बाहर आएगा, सेकंड टाइम है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास एम वन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो एम वन एक्स वन की जगह ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्या जाएगा एक्स वन कोस ओमेगा टी फाइव, तो कोस ओमेगा टी फाइव दोनों में कॉमन है तो वहाँ पास ये इस तरह लिख दिया एम वन ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब वहाँ पास क्या है के वन प्लस के टू, इसका क्या है एक्स वन कोस ओमेगा टी फाइव आ जाएगा, तो एक्स वन कोस ओमेगा टी फाइव, अब नीचे अब इसमें क्या है माइनस के टू एक्स टू की जगह एक्स टू कोस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लेंगे, एक्स टू कोस ओमेगा टी फाइव, तो कोस ओमेगा टी फाइव इसमें सब में कॉमन है तो इसको बाद में कैंसिल आउट कर लेंगे, हम इसी क्वेश्चन को कंसिडर कर रहे होंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी अप्लाई किया गया है, तो आपस क्या जाए एम टू एक्स टू टी, तो यहाँ पर टू टाइम डेरिवेटिव लिया गया है तो इसका क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका एक्स डबल डैश एक्स टू का डबल डैश क्या हो जाएगा मीन टू टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू कोस ओमेगा टी फाइव, तो ठीक है, तो माइनस के टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर हो गया और को एक्स को हमने बाहर लिख लिया है तो कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हमारे पास सिमिलरली ये पूरी इक्वेशन का हमारे पास जो है सिमिलर मेथड से आ जाएगा ये वाला, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे उसको हमने क्या किया हमने इसको सॉल्व कर दिया तो वहां पर ये वाले हो गए, तो पैरामीटर और अब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं कोस ओमेगा टी फाइव को इस कोस ओमेगा टी फाइव को, तो वहां पर जनरली इक्वेशन मिल जाएगी इनसाइड वाली, कौन सी वाली मिलेगी इनसाइड वाली, तो ये इनसाइड वाली हमने इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो लिख लिया है, सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी इक्वल टू जीरो लिख लिया है। अब हमारे पास बता रहा है कि अब हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पर दो कंडीशन है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या है इस इक्वेशन को x1 और x2 है तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसके डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के फिर हम बोलेंगे x1 और x2 जीरो है तो उसमें क्या हो जाएगा ट्रायवल सॉल्यूशन हो जाएगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा ट्रायवल सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ट्रायवल सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, मीन के नो वाइब्रेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इसमें क्या है m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 k2, तो इसमें क्या x1 है तो इसका पैरामीटर एक तरफ लिखेंगे माइनस k2 सेकंड कॉलम में ये लिखेंगे माइनस k2, ठीक है, अब इसमें क्या होगा हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में ये वाली मैट्रिक्स बन गई, तो इसमें x1 और x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे x1 और x2 से जैसे मल्टीप्लाई करो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाए सॉल्यूशन में। अब हम हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो x1 और x2 दोनों को जीरो ले लें तो हमारे पास ट्रायवल सॉल्यूशन होगा, उस कंडीशन में वाइब्रेशन नहीं होगी, लेकिन हमने वाइब्रेशन होगी लाजमी बात है सिस्टम है, तो नॉन ट्रायवल सॉल्यूशन को हम लेते हैं, तो नॉन ट्रायवल सॉल्यूशन किस तरह लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दीज पैरामीटर्स जो है x1 के अलावा और x2 के अलावा जो हम लेंगे वो लेंगे ये इक्वल टू जीरो है, तो आप डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू जीरो, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आपस क्या मिल जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो एम वन ओमेगा स्क्वायर वगैरह जो सारे हैं इनको सोल्व करेंगे तो आपस क्या मिल जाएगा इक्वेशन मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोर्थ ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा पावर फोर से मिलेगी, ठीक है, तो आप इक्वेशन मिलेगी तो ओमेगा के हम रूट फाइंड आउट करते हैं, तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो रूट कुछ इस तरह से मिलेंगे हमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक थ्रू आप ये वाले आएंगे, ठीक है, तो आप ये वाले रूट्स मिलेंगे तो ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। अब डिटरमाइन करना हमने वैल्यू ऑफ x1 और x2 को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं रेशियो लेते हैं, रेशियो किसका x2 1 x1 1, ठीक है, तो x2 1 क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखा जाए तो आप पास x21 जो है हमारे पास जो लिया गया है x2 of 1 ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्या है ये मैं बताता हूँ, इसमें क्या हमारे पास x2 of the 1, ठीक है, डिवाइड बाय k2, ठीक है, तो यहाँ पास ये कहाँ से आया है तो ये वाला हम आगे पर ये x2 of the 1 डिवाइड बाय r1 हमारे पास जो आया है देख लें तो ये है रेशियो है x21 डिवाइड बाय x11, x21 क्या है यहाँ पर x2 ऑफ द 1, x2 ऑफ द 1 क्या है हमारे पास x22 है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है ये माइनस या x2
टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस एम ओमेगा एम टू बल्कि ये है, ठीक है, ये है एक्स वन का, हमने टू लेना है, ठीक है। तो हमने वन वन का ले रहे हैं, तो आपस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के वन के टू एक्स वन डिवाइड बाय, हम किससे करते हैं इसको, हमारे पास इसी के इसी से रूट से डिवाइड करते हैं, तो के टू से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो के से हमने डिवाइड कर लिया, तो आपस क्या मिल जाएगा, ये इसका आर वन और आर टू का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। अब आपस क्या करना है इसको, हमने अगर हम डायरेक्टली जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर इस तरह लिखते हैं एक्स टू वन, ठीक है, एक्स टू वन क्या है, एक्स टू ऑफ वन क्या है, ये क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्टली इस तरह लिखे हैं तो डायरेक्टली हो जाएगा माइनस के डिवाइड बाय एक्स वन वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के वन के टू, ठीक है, इस तरह लिख लिया है डायरेक्टली, अगर इस तरह लिखना है तो आपकी मर्जी, इस तरह लिखें या इस तरह डायरेक्टली, आप मैं बोलूंगा इस तरह सॉल्यूशन लिख लें। सिमिलरली आर टू के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स टू टू डैश, तो ये बताओ एक्स टू टू, ठीक है, एक्स टू ऑफ टू, ठीक है, एक्स टू ऑफ टू क्या है, ये है एम टू ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू के थ्री, ठीक है। तो आपस क्या है, एक्स टू ऑफ टू क्या है, एम टू ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू के थ्री, तो आप टू एम टू ओमेगा स्क्वायर के टू के थ्री और डिवाइड बाय एक्स वन से करना है, एक्स वन का क्या है एम वन, बल्कि एम वन नहीं, ये है के टू, ठीक है। तो ये वाला है के टू, तो इससे डिवाइड करना है, एक्स वन टू है तो ये क्या है टू है, तो इससे डिवाइड करना है, तो इस तरह आ गया, या दिस इज इक्वल टू, वहां पर डायरेक्टली आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसका इनवर्स करके, तो टू रेशियो मिल जाएंगे, आइडेंटिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप शो कर लेंगे इसका आंसर, तो इस तरह शो करेंगे, तो वहां पर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन करेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा वन स्क्वायर और ओमेगा टू स्क्वायर आपको मिल जाएगा, जिसमें आ जाएगा एक्स वन वन, ये एक्स टू वन, इस तरह एक्स वन हमारे पास हो जाएगा ये, और एक्स टू की वैल्यू आई थी हमारे पास आर मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर आर एक्स वन डैश हो जाएगा। सिमिलरली ये डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या ये कहलाता है, ये वाला इक्वेशन जो कहलाती है, जो हमारे पास एक्स वन कोस ओमेगा टी फाइव और आर वन एक्स वन, हमारे पास जैसे कि यहाँ पर आर वन था, तो आर वन एक्स वन कोस ओमेगा टी फाइव वन, तो ये फर्स्ट मोड कहलाएगा, और इस तरह ये वाला कहलाएगा जो कहलाएगा एक्स वन टू। तो आपस क्या कर रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी हमने चेक की थी, तो दूसरे में हमने एक्स वन स्क्वायर एक्स वन टू टी और एक्स टू टू टी, इसको हम बोलेंगे सेकंड मोड, क्या बोलेंगे सेकंड मोड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वन टी और एक्स टू टी और फाइव टू आर डिटरमाइंड बाय इनिशियल कंडीशन से हम डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनिशियली कंडीशन हम अज्यूम करते हैं कि एक्स वन टी इज इक्वल टू एक्स वन आई है, तो एक्स वन टी इज इक्वल टू जीरो है, एक्स टू टी इज इक्वल टू जीरो, तो आर वन एक्स वन डैश है, तो एक्स टू टी इज इक्वल टू जीरो जीरो लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरह हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करके सुपर पोजिशन ऑफ टू नॉर्मल मोड्स करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सुपर पोजिशन नॉर्मल मोड्स में ये डायरेक्टली इक्वेशन आपने याद करनी है, तो इसमें क्या होगा, एक्स टी इज इक्वल टू सी वन एक्स वन टी प्लस सी टू एक्स टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट इसके लेते हैं, तो वहाँ पास कैसे होता है इसका कंपोनेंट, तो ये हम लेते हैं एक्स वन टी प्लस एक्स टू, ये लेते हैं एक्स वन टी प्लस एक्स वन ऑफ टू टी, तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, वहाँ पास ये एक्स वन ऑफ सेकेंड का लेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम टू लिखा हुआ है, एक्स वन फर्स्ट मोड और सेकेंड मोड का हम लेंगे, तो एक्स वन टी प्लस एक्स वन टू टी इज इक्वल टू, वहाँ पास क्या है, एक्स वन वन कोस ओमेगा वन टी फाइव वन प्लस एक्स वन टू कोस ओमेगा टू टी फाइव टू, ठीक है। तो इस तरह आप पास क्या करते हैं, इक्वेशन को एक्स वन और एक्स टू डिफाइन कर लेंगे, तो इस तरह डिफाइन करने के बाद हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन बता दी, तो उनको हमने इक्वेशन 5.15 में पुट किया इसमें, तो आप पास क्या होगा, इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको पुट करके आप पास क्या होगा, एक्स वन की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स वन डैश की इक्वेशन आएगी, एक्स टू जीरो की इक्वेशन आएगी, एक्स टू डैश की इक्वेशन आएगी, इन सब इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फिर हम इसको हम पुट करते हैं किसमें, वापस जो है इसमें से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपस में, और जो पैरामीटर्स हैं काट लेते हैं, जैसे कि एक्स वन कोस फाइव है, तो एक्स वन टू कोस फाइव टू है, तो इसमें से हम आप देखा जाए तो सेम वेरिएबल्स किस में आ रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज करें हम बोल रहे हैं कि ये क्या आर वन एक्स वन है,
तो हम इसको सब्सटीट्यूट करें तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपस आर वन को कॉमन लेकर अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास किया गया है इस इक्वेशन को, तो आपस क्या है इसमें एक्स वन कोस फाइव वन, तो इन दोनों को आपस में एड करें तो आपस इसमें एक्स वन कोस फाइव वन और एक्स वन कोस फाइव वन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आर टू एक्स टू, तो वहाँ पर इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको ये डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी जिसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करके फिर हम डिजायर्ड सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं इन इक्वेशन से। तो इस लेक्चर की मैं दो स्लाइड्स अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आपका ये डिजायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपके पास अभी न्यूमेरिकल दिखा लूंगा एक, तो उसमें आपको होपफुली ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो दूसरी स्लाइड्स भी है मेरे पास, तो दोनों आपके पास शेयर कर लूंगा, कोई मसला हो तो आप पूछ लेना। तो हमने क्या करना होता है, इसमें इनिशियल कंडीशन बतानी होती है, ठीक है। तो मैं दोबारा स्टेप इसके रिपीट कर लूंगा अभी, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले पहले इनिशियली दोबारा देख लें, रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी दे दीजिएगा प्लीज। हाँ अभी एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो से देख लेना, लेकिन अभी मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ। इसकी डेरिवेशन में क्या है, न्यूमेरिकल में भी वही स्टेप रिपीट होंगे, ठीक है। तो आप देख लें क्या सर हमें डेरिवेशन करनी है, इम्पोर्टेंट है या फिर रहने दें, सिर्फ एक बार देख लें। तो देखते हैं पेपर के मुताबिक, मेरे ख्याल में तो नहीं आएगी, लेकिन देख लेते हैं। कुछ चेंजिंग कर लें, फिर भी कुछ चेंजिंग होगी तो उससे चेंजिंग क्या आई, तो सर टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि सर डेरिवेशन टाइम बहुत लेती है ना, इस वजह से टाइम को देखते हुए करेंगे। अगर आई तो वो देखते हैं डेरिवेशन आएगी या नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, एक टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मास को डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन कर लिया एक टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को, तो हमने क्या करना है, इसमें बता दिया गया हमारे पास फोर्सेस किस हिसाब से होंगी इसमें। तो जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से फोर्सेस हैं, इस तरह भी कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर हम डैम्प लेंगे तो लाजमी बात है एफ टू भी होगा इसमें, अगर डैम्प नहीं ले रहे तो एफ टू नहीं होगा, सिंपली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या किया है हमने, इसकी फोर्सेस को डिफाइन कर लिया, यहाँ पर क्या था के वन एक्स वन, यहाँ पर सी वन एक्स वन, और यहाँ पर क्या था के टू, यहाँ पर क्या था ये स्प्रिंग मास जो है खींचेगा, फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये, तो इसका डिस्टेंस एक्स वन पहले ही कवर था, तो ये इससे कितना आगे गया है, एक्स टू मूव करेगा टोटल, तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, तो ये के टू एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। सिमिलरली डैम्पर के लिए इस तरह लिया है, तो हमने ये डिफाइन कर लिए। उसके बाद डिफाइन करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बना ली एक, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं इसमें, अब इक्वेशन एक बन गई है इसकी, तो इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे अगेन, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन बन गई तो हमने क्या करना है, अनडैम्प सिस्टम लेना है एक, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद हम कंसिडर करते हैं कि सिस्टम हमारा कौन सा है, अनडैम्प्ड है। तो अनडैम्प्ड के लिए हमारे पास क्या होगा, एफ वन और एफ टू जीरो हो जाएगा, सिमिलरली सी वन सी टू ये सारी चीजें हट जाएंगी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें हटा दी तो आपस क्या हो जाएगा, सी वन सी टू ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने दूसरी स्लाइड्स में ये दिखाया भी था। तो ये सी वन सी टू आपस में, तो हमने पहले ये खैर इन्होंने जनरलाइज बेस शो कर दिया है कि हम किस तरह मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो ये डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, ये डिफाइन किया हुआ है कि हम इस तरह मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ये आपको नेसेसरी नहीं है अभी स्टेप। तो हमने क्या करना है, अब हमने बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, अनडैम्प सिस्टम ले रहे हैं, तो सी वन सी टू सी थ्री को जीरो ले रहे हैं और एफ को जीरो ले। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास इस फॉर्म से, हमने क्या किया इसको एफ वन और एफ टू हटा दिया और सी वन सी टू ये चीजें हटा दी, तो ये हटा दी, तो हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह की आ गई, ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बताया था कि हम आपस क्या करते हैं, m1 को x1 एक वेक्टर लेते हैं और मास का हम मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं x डबल डैश से, सिमिलरली k का मैट्रिक्स लेंगे, फिर x1 x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर हमने क्या करना है, हम इसका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो आप मैट्रिक्स बना के उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स बना के उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास तो हमारे पास इस मैट्रिक्स को एक्स वन और एक्स टू करके लिख सकते थे, अगर एक्स वन और एक्स टू को हम जीरो लिखते तो हमारे पास ट्रायवल सॉल्यूशन तो होता, वाइब्रेशन नहीं होती, तो इसलिए हम डिटरमिनेंट ऑफ दिस ये फाइंड आउट करते हैं। तो इससे ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं नॉन ट्रायवल हार्मोनिक सॉल्यूशन से हमारे पास क्या करते हैं, हम क्या कंसीडर करते हैं कि हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास क्या करते हैं, टू कंडीशन हम कंसीडर करते हैं,
ओमेगा के लिहाज से तो हम बोलते हैं कि एक्स वन टी इज इक्वल टू एक्स वन कोस ओमेगा टी फाई, और सिमिलरली एक्स टू टी इज इक्वल टू एक्स टू कोस ओमेगा टी फाई है। ठीक है, तो ओमेगा वन और ओमेगा टू हम ऑब्टेन कर लेते हैं, इससे ये मिल जाएगा। तो आपस क्या होगा, ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको हमने बाद में सॉल्व करके इस तरह से एक सॉल्यूशन बनेगा। तो इनको हम सॉल्व करके फिर हम बताते हैं कि आर वन क्या है, एक होमोजेनस इक्वेशन है, तो होमोजेनस ये पूरी होमोजेनस इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं किससे, वाई सी से, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास रेशियो लिया जाता है, हमारे पास एक्स टू डैश एक्स टू वन ऑफ डिवाइड बाई एक्स वन डैश, तो उनको हमने डिवाइड कर लिया इस इक्वेशन से। तो हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप से हमने ये वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, ये निकाल के तो हम बता देंगे ये रेशियो आइडेंटिकल है। तो उसके बाद मोड्स पाए जाते हैं, इसके मोड्स कितने होते हैं, टू होते हैं। तो हमारे पास एक्स वन मोड होता है, दूसरा एक्स टू मोड होता है। तो एक्स वन मोड में हम इस तरह की वैल्यू ले लेते होते हैं, एक्स टू हमने निकाला था आर वन, एक्स वन के इक्वल निकाला था ये वाला कहाँ था, तो हम कंसिडर करते हैं बल्कि एक्स टू इज आर वन एक्स वन के बराबर है। तो इसमें एक्स टू हम बताते हैं आर टू एक्स वन के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में अगेन जो हमने ये निकाली थी वैल्यूज एक्स वन की और एक्स टू की, तो उसमें हम पुट कर लेते हैं ये चीजें। ठीक है, तो एक्स वन कोस ओमेगा टी फाइव था, तो वहां पर आर वन इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वन कोस ओमेगा टी फाइव वन, सिमिलरली एक्स टू ये था हमारे पास, इसमें पुट करेंगे। फिर ये पुट करके हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन पुट करके हमारे पास फिर क्या करते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। इसमें इनिशियल कंडीशन हमने पुट कर ली, इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, उससे हमारे पास क्या होगा, इन सबको सोल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और x2। तो हमारे पास x1 और x2 की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, x2 और x2 की, x1 और x2 की वैल्यू मिलने के बाद हम इसको पुट करते हैं वापस इक्वेशन में, तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन में एक इक्वेशन मिल जाती है और फाइ की एंगल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी मैं एक वीडियो भी अपलोड कर लूंगा, ठीक है, उसमें पूरी इक्वेशन तो नहीं हुई खैर, तो इससे थोड़ी कम इक्वेशन हुई है, वो है एक यूट्यूब से वीडियो है,